पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भगतपुर के गांव जाहिदपुर निवासी सायरा की हत्या उसके ही पुराने प्रेमी मुमताज ने चाकू से गर्दन काट कर की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। एसपी देहात संदीप कुमार मीणा ने बताया कि आरोपी और महिला के बीच अवैध संबंध था। महिला आरोपी को रेप के मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर पैसों की वसूली करती थी। इसी से तंग आकर आरोपी ने हत्याकांड को अंजाम दिया। आरोपी से आला कत्ल चाकू बरामद कर उसे जेल भेज दिया गया। भोजपुर थाना क्षेत्र के गांव रानी नागल में बुधवार को महिला का गर्दन कटा शव मिला था। पुलिस ने मोबाइल की मदद से महिला की शिनाख्त सायरा पत्नी जाफर के रूप में की थी। पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर एसपी देहात संदीप कुमार मीणा ने हत्याकांड का खुलासा किया। अक्टूबर 2023 को भोजपुर थाने के रानी नागल गाँव में गन्ने के खेत में एक महिला का शव मिला था, जिसकी ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, मैं स्वयं मौके पर पहुंचा, एसएसपी सर मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। वहां पे जब पाया गया तो महिला का शव, उसका गला कटा हुआ था और आसपास के लोगों से जब पूछताछ की गई तो महिला की पहचान जाहिदपुर भगतपुर थाना क्षेत्र के रूप में हुई। और उसके बाद में जब घर वालों से बातचीत की तो घर वालों ने एक नामजद तहरीर दी, जिसमें मुमताज का नाम लिया गया और मुमताज घटना वाले दिन से ही फरार था। और पुलिस द्वारा एक टीम का गठन किया गया और उसकी धरपकड़ शुरू की गई। तो उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसमें पूछताछ में उसने मुमताज ने बताया कि महिला के साथ उसके करीब 20-25 साल से संबंध थे और उसने महिला के चक्कर में करीब अपनी 26 बीघा ज़मीन बेच दी थी और उसको सारे पैसे उस महिला को दे दिए थे। लेकिन महिला कुछ समय से उसे ब्लैकमेल कर रही थी, उसे बार बार कह रही थी कि पैसे दीजिए नहीं तो मैं आपके खिलाफ बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज कराऊंगी। तो इस वजह से ये काफ़ी परेशान था और ये मौका ढूंढ रहा था उसको अपने रास्ते से हटाने के लिए। 18 तारीख को महिला अपने घर से दवा लेने के लिए बाहर निकली तो ये रास्ते में मिल गया मुमताज महिला को और इसने कहा कि कहाँ जा रही हो, तो उसने बताया कि मैं दवा लेने जा रही हूँ। तो इसने बातचीत की, इसने कहा कि बैठे और वहाँ जाकर इसने मौका देखकर जो अपने साथ ये छुरी लाया था उसे महिला के सीने पर वार किया। के आधार पर आईपीसी 302 और 201 में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जाए। सबसे बड़ी बात एक्चुअली इनके संबंध काफ़ी समय से थे ना, और ये खुद भी मैरिड था, महिला भी मैरिड थी और इनके काफ़ी लंबे समय से, जिसका जो आरोपी है मुमताज, इसके घर वाले भी इसका विरोध करते थे लेकिन ये उसके बावजूद नहीं माना। इसने खुद अपने बयान में स्वीकार किया है और इसके बच्चों ने भी बताया मुमताज के कि हमारे पिताजी ने इस महिला के चक्कर में करीब हमारी 26 बीघा ज़मीन बेच दी और जिसका 1 रुपया हमको नहीं दिया उस महिला को ही दिया। और महिला इससे काफ़ी समय से ये महिला को पैसे का दे रहा था और वो महिला अभी भी चाहती थी कि वो इसको पैसा देता रहे। सर, ये पुलिस के लिए अच्छा काम था कि बॉडी की पहचान नहीं हो पा रही थी, तो किस तरह शनाख्ती की गई? एक्चुअली महिला के साथ एक मोबाइल फ़ोन भी मिला था, उस मोबाइल फ़ोन के ज़रिए हमने उसकी आईडी निकाली। उसके अलावा आसपास के गांव वालों से भी पूछताछ की तो महिला की पहचान हुई। सर, क्या महिला और ये शादीशुदा है दोनों? कितने बच्चे हैं परिवारिक? ये भी शादीशुदा है और महिला भी शादी, महिला के भी करीब 6 बच्चे हैं और इसके सर इसके भी करीब 2-3 बच्चे हैं। थैंक यू। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।